अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज हम बनाने वाले हैं मुहर्रम स्पेशल, तो चलिए बनाते। तो मैंने ले ली हूँ 2 आटी कटोरे आटा। उसको हम क्या कर लेंगे, क्या करेंगे, गूंद लेंगे। कैसा गूंद लेंगे, जैसा हम रेगुलर रोटी बनाते हैं वैसा। थोड़ा सा नमक डाल लीजिए और अच्छी तरीके से गूंद लीजिए। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर थोड़ा थोड़ा डालिएगा, ज़्यादा एक साथ मत डालिएगा। देखिए मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गूंद रही हूँ। देखिए मैं गूंद ली हूँ। अब इसको अब क्या करेंगे, नीट करके साइड में थोड़ी देर ढककर रख लेंगे। अच्छे से मालिश कर लेंगे थोड़ी सी उसकी डो की। साइड में ढककर रख लीजिए। अब यहाँ पे मैंने क्या क्या ली हूँ चलिए बताते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे 4 से 5 चम्मच घी ली है, देसी घी, घर में बना हुआ है ये। और मैंने सूखा खोपरा घिसा हुआ चोबा ले ली हूँ। 2 वाटी खोपरे है, मतलब जो 2 आधे खोपरे रहते वो, और ड्राई फ्रूट्स आपको जो पसंद है वो ले सकते। मैंने यहाँ पे बादाम, काजू और पिस्ता, आमंड, किशमिश भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे 1 छोटा कटोरी शक्कर ले ली हूँ, शुगर, आप किसी भी शक्कर भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे खड़ी शक्कर ली हूँ। और ये हमारा आटा गूंदने वाला, अभी जो हमने डो बना कर रखा है। आटे को आप 5 से 6 मिनट रख लीजिए, उसके बाद उसको वो रेडी है आपको जो मैंने बता दी वो करने के लिए। तो देखिए हमारा आटा रेडी है, उसमें थोड़ा सा हम घी डालकर उसको अच्छे से एक मालिश दे देंगे उसमें शाइनिंग आने के लिए। देखिए हमारा कितना स्मूथ बना है, और उसको थोड़ी सी मालिश दे दीजिए। देखिए हमारा आटा रेडी है। अब इसकी छोटी छोटी लोई बनाकर, छोटे छोटे बॉल्स बनाकर हम क्या करेंगे चलिए आगे देखते हैं। मोटी मोटी ही लोई बनाएगा, छोटी और मोटी मोटी लोई पेड़ा बॉल्स बना लीजिए। देखिए मैं कैसा बना रही हूँ, वैसे ही मोटी मोटी लोई बनाई। मैंने यहाँ पे बना ली हूँ, मैंने 6 ही बनाई हूँ आपको दिखाने के लिए, 6 बनाई हूँ। लगभग वो आटे में 12 से 13 लोई बन जाती है। अब यहाँ पे थोड़ा सूखा आटा लगाकर हम बेल लेंगे। कैसा बेलेंगे, मोटी मोटे पराठे बेलेंगे हम, पतले चपाती नहीं बेलेंगे, मोटे मोटे पराठे बेलेंगे। देखिए छोटी छोटी मोटी मोटी पराठे बेल लेंगे।
इतनी छोटी और इतनी मीठी। अब मैं आपको दूसरी भी बताती हूँ मिलकर। देखिए मैंने यहाँ पे सब रोटियाँ बेल ली हूँ। मैंने मैक्सिमम छः पराठे बेल ली हूँ। अब ज़्यादा बेलेंगे तो एक दस्तरखान लेकर उसके ऊपर रख दीजिएगा। मैंने ये छः ही बेली हूँ, बल्कि मैंने थाला लेके उस पर रखी हूँ। क्या हम क्या करेंगे, रोटी को पराठे को सेक लेंगे। अब नॉर्मल तेल से मत सेकिएगा, घी से ही सेकिएगा। पहले तवे को थोड़ा गर्म कर लीजिए, उसके ऊपर रोटी डालकर अच्छे से सेक लीजिए। आप कोई कपड़ा लेके सेक सकते हैं, मैं यहाँ पे हाथ से सेकी हूँ क्योंकि मुझे आता था, फिर मैंने कपड़ा लिए हूँ। तो चलिए देखते हैं। देखिए मेरे साथ एक जोक हो गया मेरी यार रोटी फूली ही नहीं, मैं यहाँ पे फूलेगी बोली, मगर मेरी रोटी फूली ही नहीं। मगर ऐसे ही होता है कभी कभार, सबके साथ होता है। तो मेरी लास्ट में जो रोटी थी इतनी अच्छी फूली माशाल्लाह, मेरी लास्ट के सब रोटियाँ पराठे फूले, स्टार्टिंग के दो पराठे फूले ही नहीं तो देखिए मैं सब घी लगा कर अच्छे से जहाँ पे फूल रही वहाँ पे प्रेस कर करके आपकी रोटी फूल ही जाएगी। तो देखिए हमारी आखिर रोटी फूल ही गई, पराठा रोटी नहीं। हम इसी तरीके से सब सेक कर आपको गरम में गरम आपको उसको क्या करना है, चुमटियाँ प्रेस करना है, रोटी को लेके से दबाना है। देखिए मैं चुमटियाँ ले रही हूँ, उसको चोंगे बोलते हैं, हमारे पास मोहरम में बहुत बनाया जाता है, खासकर 8वीं, 7वीं और 10वीं को ही बनाते हैं कोई कोई लोग। तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा, मोहरम में नहीं तो नहीं, ऐसे सादे टाइम पे ट्राई करिए, अच्छी लगेगी आपको और हेल्दी भी है, बच्चों को भी दे दिए फोल्ड करके खा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं कैसा चुमटियाँ दे रही हूँ। आप कोई भी शेप राउंड करके आपको शेप देना रहता है, चुमटियाँ दबाना रहता है। मगर गरम में गरम रहेगी ना रोटी, जब ही ये प्रेस ठंडी हो जाएगी, रखी रहेगी तो ये नहीं होगी। ऐसा गरम में ही आप इसको ऐसा चुमटियाँ दे दी, देखिए मैं ऐसा दे रही हूँ। रोटी तो नहीं देंगे आप, जो हमने मेवा बना कर रखा है, खोपरा, बादाम, काजू, पिस्ता, घी, अब इसको हम सब एक साथ लेयर बाय लेयर डालते जाएंगे। पहले हम घी लगा लेंगे, फिर शक्कर लगा लेंगे, शक्कर डाल देंगे उसमें चारों तरफ पर, फिर आप थोड़े थोड़े काजू, थोड़े बादाम, थोड़े पिस्ता, आपको जो
ड्राई फ्रूट्स आपने लिए हैं तैयार किए, वो सब मैंने यहाँ पे डाल दी। उसमें थोड़ा लेयर बाय लेयर, पहले घी, शक्कर, फिर ड्राई फ्रूट्स, खोपरा, फिर शक्कर, फिर घी, अब जितने लेयर चाहे। मैंने यहाँ पे 2 या 3 लेयर लगाई हूँ ये सब चीज़ों की। और आप कम शक्कर खाते तो कम शक्कर डालिए, ज़्यादा शक्कर खाते तो ज़्यादा शक्कर डालिए, आप पर डिपेंड है। ये बच्चों को फोल्ड करके दे दीजिए, आराम से खा लेंगे, हेल्दी है। ज़रूर ट्राई करेगा ये रेसिपी, और बच्चों को भी अच्छी लगेगी, बड़ों को तो अच्छी लगेगी। तो देखिए मैं दूसरी भी बना रही हूँ, तो बनाइए। ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और ज़रूर ट्राई करेगा रेसिपी का, और ज़रूर बताइए कि ये रेसिपी कैसी लगी, ये डिश कैसी लगी। और मैं फिर मिलती हूँ नए रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। खुद खाइए, अपने प्यारों को खिलाइए, अपनी फैमिली को खिलाइए, खुश रहिए, आबाद रहे, सबके लिए दुआ कीजिए, मुझे भी दुआओं में याद रखिए। मैं फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।